स्वागत है कैनरीना में। मैं हूँ निशांत गुप्ता। दोस्तों, स्विफ्ट यूआई के अभी तक मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद दोस्तों मुझे फील हुआ कि मुझे मॉडिफायर पे भी वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। मैं बस मॉडिफायर आपका यूज़ करता चला गया, लेकिन इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए किस तरह से वर्क करता है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और हम किस तरह से इसको कस्टम मॉडिफायर भी बना सकते हैं, ठीक है, या इवेंट मॉडिफायर क्या होते हैं। तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ आपके मॉडिफायर होते हैं कॉमन मॉडिफायर, कुछ होते हैं आपके स्पेसिफिक मॉडिफायर, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर व्यू को डिफाइन करते हैं, ठीक है। मॉडिफायर कहाँ कहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आप करने वाले हैं आज, ठीक है। जितना मेरे से हो सकता है दोस्तों, मैं आपको मॉडिफायर पूरा क्लियर करूँगा। अगर कुछ हो छूट जाता है, रह जाता है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि ये पॉइंट रह गया है, तो ज़रूर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपके मॉडिफायर का। अगर आप दोस्तों नए हैं, आपको ये देखना है कि मॉडिफायर होता क्या है, ठीक है, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्चुअली एक मैसेज आ गया था, तो अर्जेंट था ऑफिस से, तो मुझे जाना पड़ा, कोई नहीं। अब दोस्तों यहाँ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मॉडिफायर की मैं बात कर रहा था, तो किसी भी व्यू के नीचे हम जब डॉट लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ये आप कह सकते हैं मॉडिफायर आ जाते हैं। फॉन्ट हो गया, इटैलिक हो गया, ठीक है। कुछ मॉडिफायर इसमें क्या होते हैं दोस्तों, कॉमन होते हैं, जो चाहे आप टेक्स्ट व्यू उठा लो, चाहे आप टेक्स्ट फील्ड उठा लो, चाहे आप वी स्टैक उठा लो, चाहे आप यू एच स्टैक उठा लो, हॉरिजॉन्टल स्टैक, ठीक है, चाहे आप इमेज उठा लो, चाहे आप व्यू उठा लो, दोस्तों कोई सा भी आप यहाँ पे व्यू उठा लीजिए, ठीक है। आप फ्रेम आपका जो अगर प्रॉपर मॉडिफायर आप यूज़ करोगे तो वो आपका सेम होता है, ठीक है, कॉमन होता है। या अगर मैं पैडिंग की बात करूँ तो वो आपकी कॉमन रहती है। फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सब क्या है आपके कॉमन रहते हैं हर व्यूज़ के लिए, ठीक है। कुछ आपके स्पेसिफिक होते हैं, जैसे टेक्स्ट मल्टीपल लाइन आपका है, ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे हो कि आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट की आपकी मल्टीपल लाइंस के लिए आपको अलाइनमेंट करना है, ठीक है। तो कुछ मॉडिफायर होते हैं आपके स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम क्या बात करते हैं यहाँ पर, नॉर्मल अगर इसकी बात करें तो एक आपका फॉन्ट ले लेते हैं। फॉन्ट वैसे भी आपके दो टाइप के होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी नॉर्मल देखिए, जैसे कैप्शन हेडिंग आपका दे रखा है, मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एज अ हेडिंग इसको ले लिया, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने इसको एज अ हेडिंग आपका ले लिया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपका मॉडिफायर है, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है, कि आपका यहाँ पे जो आपका डॉट ले रहे हो, ये करता क्या है, आपका व्यू लेगा, व्यू उठा के आपका जो फॉन्ट है, ठीक है, ये आपको फंक्शन समझ लीजिए, ये आपका एट्रीब्यूट समझ लीजिए, ये इस पर अप्लाई होगा। फॉन्ट आपका क्या हो जाएगा, टेक्स्ट व्यू आपका हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और आपको रिटर्न कर देगा व्यू टेक्स्ट का आपका, ठीक है, जैसे कि आपका ये रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉर्मली अगर इसको सिलेक्ट करते हो तो आपका ये सिलेक्ट होके आता है, ना कि ये पूरा सिलेक्ट होके आता है, ठीक है। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना। मॉडिफायर जो हैं वो आपके एक टाइप के फंक्शन, कि आपने इसको डिफाइन किया, वो उसके व्यू को उठाएंगे, उस पर मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, और वहीं पर आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसलिए होता क्या है, मल्टीपल आपके मॉडिफायर होते हैं तो हम कहते हैं ऑर्डरिंग थोड़ा ध्यान से रखिए, इसीलिए होता है कि आपका पहले ही आया फंक्शन, इस पर कॉल हुआ, ये आपका रिटर्न हो गया, फिर दूसरा उठाया उस पर फंक्शन परफॉर्म हुआ, उसने आपको टेक्स्ट व्यू आपका रिटर्न कर दिया फंक्शनलिटी डन करके, तीसरा उठाया फिर डन कर दिया। तो इसलिए अगर आप ऑर्डरिंग चेंज करते हो तो आपके व्यू जो है यहाँ पर चेंज होने लगता है, डिफरेंट आपका बिहेव करने लगता है, वो यही रीज़न है दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए दोस्तों, एट्रीब्यूट के अंदर आपका यहाँ पे देख रहे हैं मॉडिफायर आपका आ रहा है, आप चाहो तो यहाँ से भी हैंडल कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ फॉन्ट दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट ऑटोमेटिकली आ गया। अगर मैं यहाँ पे चूज़ करके लास्ट टाइटल करता हूँ, तो देखिए आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी कन्वर्ट हो रहा है और आपका यहाँ पर भी कन्वर्ट हो रहा है। या यहाँ पर अगर मैं कुछ और कर देता हूँ, कॉल आउट कर देता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका एट्रीब्यूट में भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और आपका यहाँ पर भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका है मॉडिफायर, कि आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर दो या फिर यहाँ से चेंज कर दो, ठीक है। एक प्रोसेस और होता है दोस्तों, अगर आप कमांड को प्रेस करे रखोगे और इस पर क्लिक करोगे, तो आपका ये आ जाता है शो स्विफ्ट यूआई इंस्पेक्टर। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए आपका वही आपका एट्रीब्यूट का सेक्शन खुल के आ जाएगा, ठीक है। इस टेक्स्ट व्यू पर अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सबलाइन करेंगे तो देखिए आपका साथ साथ दोस्तों यहाँ पे भी आपका चेंज होता जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका मॉडिफायर, कि आप थ्री टाइप से इसको चेंज कर सकते हो जैसा आप चाहो, ठीक है। और करते क्या है ये भी मैंने आपको बताया किस तरह से ये वर्क करता है,
ठीक है। अब दोस्तों आपका हम बात करते हैं आपकी फ्रेम की, जैसे कॉमन की मैं बात कर रहा था कि लेट्स फॉन्ट की हम करेंगे, पहले मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे एक आपका होता है फ्रेम, ठीक है। जैसे कि आप फ्रेम देख रहे हैं, आपके दो टाइप के फ्रेम मेन होते हैं, ठीक है। एक आपका ये विद हाइट अलाइनमेंट जो प्रोवाइड करता है, और एक आपका मिन विद, आइडियल विद और आपका मैक्स विद हाइट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसको दोस्तों न्यू असाइनमेंट अगर आप करते हो, यहाँ पे फ्रेम देते हो किसी भी व्यू को, ठीक है, क्योंकि सबके लिए वो सेम होता है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर डिफाइन करो अलाइनमेंट, तो आपके कौन कौन से टाइप से होते हैं कि आप बॉटम देना चाहते हो या बॉटम लीडिंग देना चाहते हो, ठीक है, या आप बॉटम ट्रेलिंग देना चाहते हो या बॉटम सेंटर देना चाहते हो। कि जैसे मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर दूँ, देखिए बॉटम आ गया, बॉटम लीडिंग आ गया, बॉटम ट्रेलिंग आ गया। तो ये क्या है, आपके ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, अलाइनमेंट, ठीक है। क्या है मॉडिफायर, ये अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, और एक आपका विद के अंदर एक आपका होता है दोस्तों इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या करता है, अगर आपने विद इन्फिनिटी कर दी तो आपका ये जो व्यू का एरिया है वो यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको इन्फिनिटी कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, आपको दिखाना है मुझे, इसलिए मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं ट्राई अगेन करता हूँ, अभी आपका ये हो जाएगा, इसको नीचे होने दीजिए, ठीक है। दोनों मैंने इन्फिनिटी कर दी है आपकी, हाइट भी विड्थ भी, ठीक है। आपको नहीं करनी हाइट तो यहाँ से हटा दीजिए, नॉर्मल हम क्या करेंगे विड्थ को कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई अगेन करते हैं, आपका ये प्रीव्यू रन हो रहा है, एक बार होने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं, आगे हमारे फ्रेम को जो मैं आपको बता रहा था, बॉटम लीडिंग ट्रेलिंग सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी मैंने, ठीक है। एक बार ये इन्फिनिटी आ जाए तो इन्फिनिटी को भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ, अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ पे एज ए इन्फिनिटी इसको लेते हैं, ठीक है, तो ये जो व्यू की विद है वो आपका कंप्लीट, आपका जो व्यू होता है पेरेंट व्यू, ठीक है, उसको ग्रैब कर लेती है। डेट मीन्स ये यहाँ से यहाँ हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। ये आपका होता है ख़ास बात इसकी, ठीक है। अब बात करता हूँ दोस्तों मैं पैडिंग की। पैडिंग आपके लिए कॉमन रहता है, पैडिंग भी बहुत टाइप की होती है, जैसे कि आपको मैं बता दूँ यहाँ व्यू एक बार। दोस्तों पैडिंग की बात मैं कर रहा था, तो चलिए पैडिंग ले लेते हैं यहाँ पे पहले, ठीक है। पैडिंग भी आपकी बहुत टाइप की होती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, नॉर्मल पैडिंग जो आपका सिस्टम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इस सेट आपका कई सब टॉप चाहिए, बॉटम चाहिए, या स्पेसिफिक आपको पैडिंग चाहिए, तो वो आपका कहाँ से आ जाता है दोस्तों, एज इनसेट से आ जाता है। या पर्टिकुलर लेंथ की आपको पैडिंग चाहिए चारों साइड से, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एजेस के साथ साथ आप लेंथ भी दे सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों आपको पैडिंग की गेट करने की, ठीक है। और ये हर एक व्यू के साथ आप लगा सकते हो, चाहे वो टेक्स्ट व्यू हो, चाहे आपका इमेज हो, चाहे आपका कोई सा भी व्यू हो, ठीक है, हर जगह आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और इन्फिनिटी जो मैं आपको बता रहा था वो आपका फ्लेक्सिबल व्यू है, ठीक है, जो आपके व्यू को फ्लेक्सिबल कर देता है टोटल आपका करके, ठीक है। तो आप उसको भी उस तरह से मैनेज, सॉरी, कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, टेक्स्ट व्यू की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पैडिंग, नॉर्मल पैडिंग दे देते हैं इसको, देखिए ऑटोमेटिकली पैडिंग आ गई। और दोस्तों यहाँ पे इसको उठाते हैं, कॉपीराइट जो भी है आई डोंट केयर, यहाँ पे इसको इतना करते हैं, इतना करते हैं, इतना करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इस पर खेलेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो है आपका मल्टीपल टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है। मल्टीपल टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट आपका क्या करता है, जो आपकी मल्टी लाइन होती है उनको आपको अलाइन करता है। आपको लीडिंग करना है, सेंटर करना है, अगर मैं सेंटर कर देता हूँ तो देखिए आपका ये टेक्स्ट क्या हो गया, सेंटर्ड हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों मैं उसको ट्रेलिंग कर लेता हूँ तो आपका क्या हो गया, वो ट्रेलिंग हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये स्पेसिफिक टेक्स्ट के ऊपर होता है जो हम लगाते हैं। एक ये भी है आपका, देखिए स्पेसिफिक, ठीक है, कि आपका लाइन स्पेसिंग यहाँ पे होगा, लाइन स्पेसिंग ये रहा, ठीक है। ये अगर लाइन स्पेसिंग में 10 कर देता हूँ तो देखिए हर लाइन के बीच में 10 10 का स्पेस आ गया, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट के अंदर रहती है। अगर मैं दोस्तों लाइन लिमिट की बात करूँ, ठीक है, तो लाइन की आप लिमिट गेट सेट कर सकते हो कि 3 कि 3 तक आपका ये रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी कुछ स्पेसिफिक हैं, कुछ कॉमन हैं आपके मॉडिफायर जो मैंने आपको यहाँ पे बताया किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया दोस्तों,
ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो लिमिट क्या कर दो, निल कर दो। ठीक है, तो देखिए जितना आपका हो सकेगा लिमिट, जितने आपके वर्ड होंगे लाइन होंगी वो ऑटोमेटिकली आपका ले लेंगी। ठीक है, इसी में दोस्तों आपका अगर फॉन्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, फॉन्ट आपके दोस्तों दो टाइप के होते हैं। एक आपका फॉन्ट होता है सिस्टम टाइप का, कि आपने फॉन्ट दे दिया, ठीक है, साइज़ दे दिया कि 30 है आपका, तो जो सिस्टम का फॉन्ट होता है वो ऑटोमेटिकली ले लेता है और साइज़ आपका 30 कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे साइज़ जो आएगा वो आपका भी मैं बताऊँगा, ठीक है, लेकिन अगर आप दोस्तों सिस्टम की छोड़ के अगर आप कस्टम यूज़ करना चाहते हो तो आप कस्टम फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ एरियल डाल दिया और यहाँ पे साइज़ 30 कर दिया। ठीक है, तो देखिए एरियल टाइप में आपका साइज़ कितना हो गया, 30 हो गया। तो दो टाइप के आपके फॉन्ट रहते हैं दोस्तों, ठीक है, कस्टम सिस्टम आप देख सकते हैं। और ये जो आपके मॉडिफायर हैं दोस्तों, ये आपके क्या हैं, व्यू के ऊपर लगते हैं, तो व्यू प्रोटोकॉल मॉडिफायर हैं। ठीक है, व्यू को क्या करते हैं, प्रोटोकॉल प्रोवाइड करते हैं, कि इसका आप व्यू उठाएंगे, डेटा कन्वर्ट करेंगे और प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं आपकी इवेंट की, दैट मीन्स आपका इवेंट मॉडिफायर। ठीक है, अब ये इवेंट मॉडिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है, इवेंट नाम से ही पता चल रहा है कुछ एक्शन या इवेंट होना। ठीक है, दैट मीन्स जब आप अपने व्यू को पर्टिकुलर इवेंट पे अपडेट करना चाहते हो, ठीक है, तब वहाँ पे दोस्तों आपका इवेंट मॉडिफायर यूज़ होते हैं। जैसे कुछ इवेंट मॉडिफायर हैं आपके टैब जेस्चर हो गए, जेस्चर्स हो गए सारे, ठीक है, कि आपने टैब किया तो आपका कुछ परफॉर्म हो गया, वो आपके मॉडिफायर क्या हैं, इवेंट मॉडिफायर हैं। ठीक है, या आपका ऑन अपीयर, ठीक है, विद द क्लोज़र आपके आते हैं ऑन अपीयर, ये रहा। ठीक है, कि आपका ऑन अपीयर, जब भी व्यू आपका अपीयर होगा तो आप किस तरह से उसको हैंडल करोगे। ठीक है, तो वो आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हो, कि पर्टिकुलर व्यू आपका आपका जब शो होगा, ठीक है, तब आप क्या परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, एज अ क्लोज़र आप वहाँ क्या कर सकते हो, कोई भी एक्शन परफॉर्म करा सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं करा दूँ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करा दूँ, चेक योर ओन। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अब आप ये ऑन अपीयर खुद लगाइएगा, ठीक है, और चेक करिएगा कि जैसे ही आपका व्यू, जैसे ही रन करेंगे आप व्यू, आपका यहाँ पे टेक्स्ट जो है अपीयर हो जाएगा, तभी आपका ये कॉल हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका डिसअपीयर भी होता है, ऑन डिसअपीयर आप वो भी लगा सकते हो। ठीक है, ये रहा ऑन डिसअपीयर। ठीक है, तो ये है आपके इवेंट मॉडिफायर। ठीक है, कि पर्टिकुलर आपके किसी भी व्यू पे इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं या कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो आपके मॉडिफायर होते हैं उन्हें हम कहते हैं इवेंट मॉडिफायर। ठीक है, अब दोस्तों इस इंटरेस्टिंग आपकी चीज़ आ रही है, कस्टम मॉडिफायर। ठीक है, कस्टम मॉडिफायर क्या होते हैं, कि आप अपने खुद के मॉडिफायर क्रिएट कर सकते हो। दैट मीन्स कभी कभी आप देखते हो पर्टिकुलर आप 10 व्यू यूज़ कर रहे हो, उन 10 व्यू में कॉमन आपकी मॉडिफायर्स आप यूज़ करते जा रहे हो। ठीक है, कि आपका हर एक में मैं फ्रंट भी रख रहा हूँ, ठीक है, पैडिंग भी रख रहा हूँ, फोरग्राउंड कलर भी सबको सेम दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक अपना कस्टम मॉडिफायर लगा के एक जगह वहाँ पे उनको रख दूँ और सिंपल एक मॉडिफायर कॉल कर दूँ। ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है दोस्तों, कस्टम मॉडिफायर के थ्रू होता है। वो कैसे बनता है देखिए, यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों बनाने के लिए हम लेंगे एक स्ट्रक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ज्ञान मॉडिफायर्स। ठीक है, और यहाँ पे जो हम कंफर्म करेंगे प्रोटोकॉल वो होगी दोस्तों व्यू मॉडिफायर की। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों आपका आता है बॉडी व्यू मॉडिफायर का। ठीक है, टाइप लेना है, कंटेंट लेना है, हम कंटेंट लेंगे। इसके अंदर दोस्तों आप जो भी कंटेंट रखेंगे, ठीक है, डेट मीन्स कंटेंट आप ले रहे हो। ठीक है, कंटेंट के अंदर जितना भी ये कंटेंट क्या हो गया, ये आपको बताता है वो कंटेंट जो कि आप, जैसे टेक्स्ट व्यू के नीचे आप डॉट लगा दिया तो ये इसको कंटेंट मिल गया, इस कंटेंट पे एक्शन परफॉर्म करेगा और क्या करेगा दोस्तों, ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा जब आप कॉल करेंगे। तो ये आपका वर्क होता है दोस्तों मॉडिफायर का। तो यहाँ पे मैं उठा रहा हूँ कंटेंट, कंटेंट पे मैं लगा रहा हूँ, लेट्स आपका पैडिंग लगा दो, ठीक है, साथ में फोरग्राउंड कलर लगा दो, ठीक है, और भी साथ में कुछ लगा दो, फ्रेम कर दो, फ्रेम सबके लिए कॉमन रहता है। ठीक है, लेट्स 200 200, ठीक है, अलाइनमेंट कर दो बॉटम। ठीक है, ये आपने क्या करे, एक जगह बना दी कि हर एक व्यू में मैं ये चीज़ यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है,
तो ये कॉमन मैंने अपना मॉडिफायर बना दिया कि मैं अपना मॉडिफायर जब भी ये कॉल करूँगा मुझे अपने व्यू पे ये डिज़ाइन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको पर्टिकुलर बटन का बनाना है अलग से। ठीक है, कि मॉडिफायर एक बना के मैंने रख दिया एक बटन का, और हर जगह जहाँ पे बटन हो रहा है उसको कॉल कर लूँगा, बात ख़त्म। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप कस्टम मॉडिफायर बना सकते हो। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, सिंपल तरीका है यूज़ करने का, आप यहाँ पर डॉट लगाओगे। ठीक है, एक आपका आता है मॉडिफायर, मॉडिफायर आपने दिया, ये देखिए टी टाइप है। ठीक है, डेट मीन्स आपका जेनरिक टाइप है। यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, अपना ज्ञान मॉडिफायर को कॉल कर दोगे। बस आपका क्या होगा, जो भी आपका ये होगा, आपके सारे जो मॉडिफायर की फंक्शनलिटी होगी वो आपकी कहाँ पे लग जाएगी, इस पर आ जाएगी। ये देखिए ऑटोमेटिकली आ गया, ये आपका स्पेस दिखा रहा है, फ्रेम दिखा रहा है, ठीक है, पैडिंग दिखा रहा है नॉर्मल छोटी, और आपका बॉटम में आ गया। अगर मैं इसको सेंटर कर दूं तो कंटेंट आपका सेंटर में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप अपना कस्टम मॉडिफायर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सही है दोस्तों, ये बहुत सही। ठीक है, और भी दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने आप खुद कर करके देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी बहुत सारी चीज़ें। इन द सेंस जितना मैंने आपको बताया है उसी में आप दोस्तों R&D करिए। ठीक है, ढूंढिए, खुद करके देखिए नई नई चीज़ें, यहीं से कस्टम मॉडिफायर से ही आपका, अगर SwiftUI पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो 90% आपका कोड जो है दोस्तों क्लीन हो जाएगा, मॉडिफायर अलग साइड में रख दोगे आप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सारी चीज़ें करिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।